नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के बनेटी चौकी के पास नन्हौ नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने नहर में शव देखकर हलचल मच गई। किसी तरह स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला। नहर में मिले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पूरी घटना आज दोपहर की है। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव के पास नदी में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव के पास मनोरमा नदी में निर्वस्त अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कप्तानगंज पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकाला। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है। मुहर्रम के पर्व को देखते हुए अलीगढ़ में जगह जगह जुलूस निकाला गया है। जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन अधिकारी हर जगह तैनात रहे। मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए यातायात रूट डाइवर्ट किया गया है। मुहर्रम जुलूस को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। वहीं शहर भर में निकाले गए जुलूस दहली गेट क्षेत्र के करबला पर जाकर समाप्त हुआ है। आज के मुहर्रम जुलूस में सुन्नी समुदाय के लोगों ने अलग अलग तरीके से मुहर्रम मनाया। वहीं आपको बता दें कि मुहर्रम के महीने में 10वें दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इस्लाम धर्म में मुहर्रम का महीना काफ़ी अहम माना जाता है। अमेठी में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। पुलिस पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। फोर्स भी तैनात थी। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मुसाफिरखाना कस्बे में फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए और मुस्लिम बाहुल्य गांव भनौली का जायजा भी लेते हुए नजर आए। खबर गाजीपुर से, जहां काजी मंडी तुलसी कपुल स्थित इमामबाड़े सहन पर कदीमी शबे आसूर की मजलिस का कार्यक्रम अपनी परंपरा अनुसार आयोजित किया गया। शासन के निर्देश के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव में तिरंगा बाइक रैली निकालकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा कार्यालय से इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, ब्लॉक प्रमुख ठाकुर हरिंद सिंह और प्रधान प्रमुख ठाकुर बच्चू सिंह जादौन के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जो कि लहोसरा, अटलपुर, चिकावटी, चिरौली, मसेपुर गाँव में होते हुए ब्लॉक पर समापन हुई। रैली के समापन के बाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर हरिंद सिंह ने ब्लॉक कार्यालय पर सभी प्रधान, बीडीसी, बीडीओ, एडी और सचिव के साथ मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने सभी की समस्याओं को सुना, उस पर दिशा निर्देश दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि 13 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20,000 तिरंगा बांटने का संकल्प लिया गया है, जिसमें से अभी तक लगभग 4,000 तिरंगे बांटे जा चुके हैं। उत्तरकाशी में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा देशभर में आज़ादी की गौरव तिरंगा यात्रा के द्वारा भारत जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इधर उत्तरकाशी में भी पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष विजयपाल सजवान के आह्वान पर जिला कांग्रेस द्वारा अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर पार्टी कार्यालय गांधी वचनालय उत्तरकाशी से इस महत्वपूर्ण तिरंगा यात्रा का शुभारम्भ किया गया, जो कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त ध्वजारोहण तक जारी रहेगी। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर जनपद नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग के ग्राम सभा पांडे गांव इन दिनों खुले आम सड़कों पर गुलदार घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
बता दें कि दिनेश जोशी निवासी गाजरी तौक की पालतू गाय को भी इन्होंने अपना निवाला बना लिया। सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश चंद ने जानकारी दी है। दर पांडे गांव के ग्राम प्रधान गिरीश चंद ने बताया कि ग्राम सभा पांडे गांव में गुलदार घूम रहे हैं पर कोई भी ग्रामीण की समस्या को हल करने के लिए अभी तक आगे नहीं आ रहा है। आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर थाना अध्यक्ष ने थाना परिसर में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया। बैठक में पहुंचे व्यापार मंडल सहित समाज सेवी नगर के गणमान्य व्यक्तियों का थाना अध्यक्ष विजेंद्र शाह द्वारा धन्यवाद करते हुए मुहर्रम, रक्षाबंधन, 15 अगस्त और जन्माष्टमी के त्योहारों को लेकर बैठक में पहुंचे गणमान्य लोगों के साथ चर्चा की गई। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के विषय में आए लोगों को बताया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मुहर्रम के त्यौहार पर निकलने वाले ताजिए को लेकर उनकी ऊंचाई और ताजिया लगाने के मार्ग को निश्चित किया गया है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सहयोग किए जाने की अपील भी की है। थानाध्यक्ष विदेन्द्र शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि अमन कमेटी की बैठक में क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बहुत से सुझाव भी दिए गए हैं जिन पर विशेषकर ध्यान देने हुए क्षेत्र में अमन शांति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से समस्त त्यौहारों को मिलजुल कर सौहार्द के साथ मनाने की अपील भी की है। लक्सर SDM गोपालराम मिनवाल ने मिल रही अवैध मिट्टी परिवहन की शिकायत पर देर रात छापेमारी करते हुए मिट्टी से लदे 7 डंपर सहित एक रेस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने आवास पर लाकर सीज कर दिया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मिट्टी परिवहन की बार बार शिकायतें आ रही थी। रात भी शिकायतें मिली थी कि कुछ डंपर मिट्टी से लदे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, जिस पर छापेमारी करते हुए 7 मिट्टी से लदे डंपर और रेस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली CUET परीक्षा श्रीनगर केंद्र में एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा स्थगित होने से छात्रों का आक्रोश विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोग के खिलाफ फूट पड़ा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने विवि प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल का पुतला भी फूंका। छात्रों ने कहा कि जब NTA द्वारा CUET को लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ दिया गया था तो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कुलपति को CUET इस वर्ष गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुलपति द्वारा MHRD में अपने अंक बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे से लागू किया गया, जिसका खामियाजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्र भारी भरकम किराया देकर परीक्षा केंद्र पर पहुँच रहे हैं और यहाँ परीक्षा ही स्थगित कर दी जा रही है। जो NTA ने फैसला लिया कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी CUET इस बार से लागू होना चाहिए, इसमें जो हम सबसे बड़ी कमी मानते हैं, सबसे बड़ी कमी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का है। कुलपति ने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए MHRD में ये बात उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए थी। पहाड़ की तो भौगोलिक परिस्थिति है, उसके अनुसार कहीं भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी CUET एग्जाम करवाने के लिए यहाँ पर अपने नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए MHRD में इस बात के लिए हामी भरी कि हम CUET का एग्जाम करवा सकते हैं। नंबर दूसरी बात, बच्चे इतना दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर डेली गाड़ी बुक करके आते हैं, इतना महंगे किराए के साथ अपने समय वेस्ट करके आते हैं, बार बार बच्चे तैयारी करके आते हैं और जब वो श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचते हैं उनका एग्जाम क्यों नहीं ले जाते, इसमें सुस्ती चलती है। पिठानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चालक के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट करने के आरोप के संबंध में SSP पौड़ी यशवंत सिंह चौहान का कहना है कि कुछ दिन पहले पिठानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलवंत नाम के एक वाहन चालक द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था। उस वीडियो में उसके द्वारा बताया गया कि पिठानी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही उसकी गाड़ी का चालान पुलिस द्वारा किया गया। SSP ने बताया कि प्रथम दृष्टया उन्हें यह जानकारी मिली कि उक्त व्यक्ति शराब पीकर वाहन चला रहा था। वाहन चलाते समय पिठानी थाने में तैनात दारोगा कांस्टेबल पर वाहन स्वामी द्वारा वाहन चलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद थाना पुलिस द्वारा वाहन स्वामी को पकड़कर थाने लाया गया। साथ ही पुलिस द्वारा व्यक्ति के वाहन को सीज करने का काम भी किया गया है। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते
उधम सिंह नगर के काशीपुर में पहली बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र में गाड़ियों से काफिला घुमाकर उनका जोरदार स्वागत किया और रैली निकालते हुए बाजपुर रोड स्थित होटल गोमती हाइट्स में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, भाजपा जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर, प्रदेश महामंत्री मनोज पाल, पूर्व सांसद क्षेत्र विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने काशीपुर की जनता से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि शिवपुर तराहे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में तय किया गया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और तार से उसका गला भी कसा गया। उसका खून से लथपथ शव गांव के बाहर खेत पर ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक, फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पूरे मामले में टीमें गठित कर दी गई हैं, पड़ताल की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा और आरोपी जो भी होगा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सोनभद्र आगमन होगा कल। उपराज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए सोनभद्र आ रहे हैं। बता दें कि कल यानी 10 तारीख को रात 9 बजे सोनभद्र के सदर कोतवाली क्षेत्र आमडी गाँव अपनी बहन के गाँव पहुँचेंगे मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के आगमन को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।